नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। IPS चर्चित IPS शिवदीप लांडे ने बीते दिनों ही यानी कि कल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसको लेकर बड़ी अब जो है कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर उनकी वजह क्या रही होगी। ऐसे में आपको बता दें कि अभी तक तो कोई वजह उन्होंने खास तौर पर निजी कारणों से बताया है कि हमने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि काफ़ी चर्चित IPS अधिकारी हैं। ऐसे में आपको बताते चलें कि अब कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि क्या शिवदीप लांडे भी 25 विधानसभा चुनाव में लड़ सकते हैं टिकट से। ऐसे में आपको बता दें कि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जन सुराज की पार्टी जो है प्रशांत किशोर की पार्टी है, जिस तरह से उसमें इनकी एंट्री हो सकती है, इन्हीं के जनसुराज की ही टिकट से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। ऐसे में आपको बताते चले कि क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। दरअसल बता दें कि बिहार पुलिस में सुपर कॉप से लेकर सिंघम तक जैसी उपनामों से नवाजे जा चुके भारतीय पुलिस सेवा IPS के तेज तरार और चर्चित अफसर शिवदीप लांडे ने इस्तीफा दे दिया है। पूर्णिया रेंज के IG के पद पर तैनात शिवदीप लांडे ने राज्य सरकार को ईमेल से इस्तीफा भेज दिया और रेजिग्नेशन की मंजूरी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। चर्चा है कि शिवदीप लांडे पटना शहर की किसी विधानसभा सीट से 25 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के जनसुराज अभियान से निकलने वाली पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। PK की पार्टी का 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर ऐलान होना है। ऐसे में शिवदीप लांडे बिहार काडर के 2006 बैच के IPS अफसर हैं और कई जिलों में SP के तौर पर तैनाती के दौरान अपनी कड़क छवि के लिए चर्चित रहे हैं। उन्होंने गुरुवार की दोपहर सोशल मीडिया साइट Facebook पर अपने इस्तीफे का ऐलान किया। तिरंगे को सलामी देते हुए एक फोटो के साथ Facebook और अपने X प्लेटफॉर्म पे जो है पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, मेरे प्रिय बिहार, पिछले 18 वर्षों से सरकारी पद पर अपनी सेवा प्रदान करने के बाद आज मैंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इन सभी वर्षों में मैंने बिहार को खुद से और अपने परिवार से भी ऊपर माना। अगर मेरे बतौर सरकारी सेवक के कार्यकाल में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। शिवदीप लांडे ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने आज से त्याग पत्र दे दिया है, लेकिन वो बिहार में ही रहेंगे और आगे भी बिहार ही उनकी कर्मभूमि रहेगी। लांडे ने पूर्णिया में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत कारण से इस्तीफा दिया है। लांडे के Facebook पोस्ट से स्पष्ट संकेत है कि वह गृह जिला गृह प्रदेश महाराष्ट्र नहीं लौट रहे हैं, बल्कि बिहार में ही रहेंगे। प्रबल चर्चा है कि वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पदयात्रा के बाद 2 अक्टूबर को बन रही पार्टी में शामिल होंगे और पटना शहर की किसी सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। प्रशांत किशोर की जनसुराज से कुछ समय पहले IPS की नौकरी छोड़कर निर्दलीय बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और हारे आनंद मिश्रा भी जुड़े हैं। ऐसे में 2011 बैच के अफसर आनंद मिश्रा के बाद अगर लांडे भी जनसुराज के पास आते हैं तो नौकरी छोड़कर प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़ने वाले वो दूसरे सीनियर IPS अफसर होंगे। तो ऐसे में बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज तो अब तक तो अभियान था, लेकिन 2 अक्टूबर का जो है औपचारिक तौर पे पार्टी दल बनने जा रहा है, ऐलान हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि गांधी जयंती के दिन ही इनकी पार्टी जो है वो बनेगी और ऐसे में कयासों का बाजार गर्म हो चुका है कि क्या IPS शिवदीप लांडे भी जनसुराज से जुड़ सकते हैं। ऐसे में कोई भी पटना के विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे और आपको बता दें कि जिस तरह से उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए शिवदीप लांडे ने अपना व्यक्तिगत इस्तीफे की बात कही कि हमारा निजी कारण की वजह से हमने इस्तीफा दिया है। ऐसे में बता दें कि जिस तरह से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और चारों तरफ उनकी चर्चा होने लगी, क्योंकि काफ़ी चर्चित जो है ऑफिसर में से एक माने जाते थे शिवदीप लांडे। और लगातार जिस तरह से कहीं ना कहीं ये जो दौर है वो इस्तीफे की वो लगातार जारी है। बीते दिनों जिस तरह से काम्या मिश्रा, तो आपको बता दें कि लगातार जो है कई IPS बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोगों ने तो अपनी बातें जो हैं निजी कारणों से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन भी राजनीतिक दबाव में जो है काम कर रही है, इसकी वजह भी एक वजह हो सकती है। लेकिन लोगों ने तो अधिकारियों ने साफ तौर पर ये कहा कि नहीं, हमने निजी कारण से इस्तीफा दिया है। तो ऐसे में बता दें कि अब जो है कयास ये लगाए जा रहे हैं कि शिवदीप लांडे जो हैं जनसुराज की पार्टी से जुड़ेंगे और उन्हीं की टिकट से चुनाव भी किसी भी सीट पर पटना से लड़ सकते हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ होता है। अब 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ऐसे दिन जनसुराज की पार्टी जो है वो अपनी दल बनाने जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।